तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। तो यार आ चुके एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। वीडियो थोड़ा सा लेट देखने को मिल रहा है क्योंकि भाई मैं थोड़ा बाहर घूमने गया हुआ था। और कहाँ पे गया होता वो जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं ना उनको पता ही होगा। आप भी नहीं करते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे बड़ी बड़ी चीजें हम अपलोड करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में आपको लिए लेके आया हूँ पोको F4 5G की। तो भाई अभी ना बंदों का जो पोको के ऊपर से ट्रस्ट था ना वो थोड़ा सा उठता जा रहा है, क्योंकि जो पोको के कुछ रिसेंट स्मार्टफोन थे ना वो डेड हो गए थे, किसी का मदरबोर्ड डेड वगैरह हो गया था तो इशू वगैरह आ रहे थे पोको के स्मार्टफोनों में। इसके लिए भाई पोको ने ना एक चीज अच्छी करी है कि इस वाले फोन के अंदर ना आपको 2 साल की वारंटी देखने को मिलती है। तो अगर डेड वगैरह होगा तो आपका सही रहेगा, डेड वगैरह होगा तो सही रहेगा। तो इसके लिए ना भाई पोको ने यहाँ पे 2 साल की वारंटी इस वाले फोन के अंदर हमको दी हुई है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। बाकी वाला जो फोन है ना काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। और इस फोन की जो मेन हाईलाइट है वो इसका प्रोसेसर है, जो कि 870 प्रोसेसर हमको देखने को मिलता है। तो वैसे ये 24,000 रुपए का मैंने इसको परचेस करा है, नॉर्मल प्राइस इसका 28,000 रुपीज है, लेकिन हम इसको 28,000 के हिसाब से ही जज करने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। वीडियो पसंद आता था जरूर से इस वाले वीडियो को कर देना लाइक। ऐसे अमेजिंग कंटेंट देखना चाहते तो चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर लो। 3 लाख सब्सक्राइबर काफी ज्यादा क्लोज जाते जा रहे हैं, तो 3 लाख सब्सक्राइबर करवा दो। बाकी जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। तो भाई ये रहा स्मार्ट फोन हमारा और ग्रीन कलर के अंदर मैंने इसको परचेस करा हुआ है। और पोको का भाई स्लिम फोन भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि पोको X3 प्रो वगैरह जो ईट थे पूरे तो उसके मुकाबले में काफी ज्यादा पतला है। इसके अंदर हेडफोन जैक हमको देखने को नहीं मिलता है कोई भी, लेकिन कन्वर्टर मिल जाता है बॉक्स के अंदर। और स्टीरियो स्पीकर हमको देखने को मिलते हैं, ऊपर की तरफ आयर ब्लास्टर वगैरह है, लेफ्ट साइड एकदम प्लेन, राइट साइड में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और 2 वॉल्यूम रॉकर देखने को मिलते हैं। फ्लैट है इसके साथ आता है भाई ये। और बाकी ये जो बैक है ना ये भी ग्लास बैक हमको देखने को मिलता है। इसकी स्पेक्स की अभी हम बात कर लेते हैं, तो जो भी सारे स्पेक्स है ना वो देखेगी आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हो। प्रोसेसर इसके अंदर स्नैपड्रैगन 870 हमको देखने को मिलता है, एक एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का, 4500 एमएच की बैटरी है, 67 वाट की फास्ट चार्जिंग है, 6128G वाला वेरिएंट है और 28,000 रुपए इसका प्राइस है। और मैंने ना इसको 100% चार्ज भी करवाया और MIUI 13 के ऊपर यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। अभी अपने टेस्ट के अंदर हम इसकी ब्राइटनेस और वॉल्यूम दोनों मैक्स रखने वाले हैं। ये थोड़ा आईफोन की तरह दिया गया यहाँ पे वॉल्यूम और 99% चार्ज एंड देखेंगे कितना ड्रॉप करेगा एक घंटे की गेमिंग के बाद। तो फटाफट से हम BGMI को चालू कर लेते हैं। ग्राफिक सेटिंग की बात करें तो भाई ग्राफिक सेटिंग 870 के हिसाब से बढ़िया देखने को मिलती है। स्मूथ प्लस एक्सट्रीम है, जो कि HDR तक भी एक्सट्रीम जाता है और अल्ट्रा HD प्लस अल्ट्रा है, तो काफी बढ़िया बात है। और ऑडियो की बात करें तो ऑडियो में यहाँ पे अल्ट्रा तक का सपोर्ट है, आपको ऑडियो के लिए भी पूछते हैं बंदे काफी सारे। तो भाई सबसे पहला मैच जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो पोको F4 के अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की ग्राफिक सेटिंग पे एक TDM का स्टार्ट करने वाले हैं, फिर मैक्स सेटिंग पे भी आएंगे धीरे धीरे, देखेंगे फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह करेगा या फिर नहीं। और भाई यहाँ पे मैंने FPS मीटर भी लगाया हुआ ऊपर की तरफ, यहाँ पे आपको FPS शो करेंगे, 59 FPS दे रहा है अभी। बाकी भाई जायरोस्कोप सेंसर की बात करें ना फोन की, तो काफी ज्यादा एक्टिव है जायरोस्कोप सेंसर, कोई भी डिले वगैरह नहीं है इसके अंदर, स्प्रे भी कंट्रोल कर सकते हो आराम से। हल्का हल्का अटक रहा है भाई 52 FPS तक, तो यहीं पे आ रहा है। टूर घर चलाना तुम भी आना कल। तो भाई देखो एक TDM का मैच कंप्लीट हुआ है। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस वैसे तो ठीक थी, लेकिन बीच बीच में ना ड्रॉप्स हमको देखने को मिलते थे, 52 FPS 50 FPS ऐसे बड़े आराम से आ रहा था। गेम में थोड़ा सा उतनी ज्यादा स्मूथनेस देखने को नहीं मिल रही थी। तो पहले मैच के हिसाब से मैं अभी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कहना चाहूंगा, क्योंकि भाई 870 है तो तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिलनी चाहिए हमको वैसे तो। बाकी क्लासिक के मैच ट्राई करते हैं, क्या पता क्लासिक में और तगड़ा परफॉर्म कर दे। तो नेक्स्ट मैच हम कर रहे हैं एक इरेंगल का स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की ग्राफिक सेटिंग के ऊपर ही। चलो भाई जंप करते हैं, देखेंगे हम 1 2 3 44 FPS आ गया भाई, यहाँ पे ज़्यादा ड्रॉप कराया इसने, फिर से 60 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ओ भाई ये कैसे धक्का दे रहे हो, कौन किल चुरा रहा अभी। अरे तू टेंशन ना ले बेटे, मरने नहीं दूंगा।
तो क्या चल रहा भाई? इसका जायरोस्कोप अजीब सा हो गया था भाई, कंट्रोल में ही नहीं हो रहा था। कर लो स्कोप। तो भाई अभी एक क्लासिक का मैच हमारा कंप्लीट हुआ है पोको F4 के अंदर, और जंप वगैरह करते में ना थोड़े से फ्रेम ड्रॉप्स हमको देखने को मिले, 44 FPS तक आया था, उसके बाद मेंटेन कर लिया। बीच फाइट में हल्का हल्का ड्रॉप कर देता है भाई, कहीं कहीं पे 55 FPS तक आ जाता है, और जो स्मूथनेस है ना उसकी भी मेरे को थोड़ी कमी इसके अंदर देखने को मिली है। हो सकता है भाई अभी ऑप्टिमाइज नहीं है, अपडेट के थ्रू थोड़ा और बढ़िया कर दिया जाए इसके अंदर गेम को। अभी हम एक ना मैक्स सेटिंग ओवर भी करके देखने वाले, मैक्स सेटिंग ऊपर कैसा परफॉर्म करता है। मैक्स सेटिंग इसकी वैसे अल्ट्रा HD प्लस अल्ट्रा की, लेकिन हम HDR प्लस एक्सट्रीम पर रख के खेलेंगे क्योंकि हमको फ्रेम रेट ज्यादा चाहिए रहते हैं। इसकी मैक्स सेटिंग देखो भाई क्या सही अप करिए इसने, और परछाई भी है अच्छे से एकदम। चलो अब जंप करते हैं, देखते हैं मैक्स सेटिंग है। 57 FPS 60 FPS आया, क्योंकि अभी हमारा ना दूसरा जंप था, एक बार हम ठिल गए नीचे जाके, इसमें थोड़ा सा कम ड्रॉप करता है ये। इसके यहाँ पे भी बैठा हुआ है, सोच रहे हो बच जाओगे। मैक्स सेटिंग पे है मजा तो गेम खेलने का। भाई हमेशा दिक्कत देता है यार M249 का स्प्रे देने में, पीछे आ लौंडे। बेटे हीरो मत बनो, उठा दो। कह रहा था मैं हीरो मत बनो मार। तो भाई ये वाला मैच भी हमारा कंप्लीट हुआ मैक्स सेटिंग के ऊपर रेंगल का, और इतना कोई डिफरेंस मेरे को देखने को नहीं मिला। जंप करते हुए बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म कर रहा था, बीच फाइट में भी बिल्कुल जैसा स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे खेल रहे ना ऐसे ही परफॉर्म कर रहा था। तो भाई मैं कहना चाहूंगा जो अपनी स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की ग्राफिक सेटिंग है ना, उससे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमको इसकी मैक्स सेटिंग के ऊपर देखने को मिल जाएगी HDR प्लस एक्सट्रीम के ऊपर। बाकी भाई अब हम जो लास्ट मैच करने वाले हैं ना, वो इसको थोड़ा सा मैक्स टच करने वाले हैं। इसके अंदर हम मैक्स सेटिंग के ऊपर भी मैच करेंगे और साथ में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चालू करेंगे। तो भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग की अगर मैं आपको सेटिंग्स दिखाऊं तो मैंने सब मैक्स कर लिया, और भाई एक चीज अच्छी है इसके अंदर, फ्रेम रेट की बात करें तो यहां पे 90 FPS का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो आप 90 FPS पे बड़े आराम से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो भाई ये एक अच्छा संकेत है। हो सकता है कि इन फ्यूचर इसके अंदर PUBG के अंदर भी 90 FPS का सपोर्ट हमको देखने को मिले, देखते हैं आता है कि नहीं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। ये सुन के तो मेरे को भी ऐसी आ गई। ग्राफिक सेटिंग भाई यहां पे भी बढ़िया है एकदम। अरे हल्का हल्का कर रहा है भाई फ्रेम ड्रॉप्स ये। जीत गए चलो। अब हुआ भाई फोन हीट, तो एक बार आप चेक कर लेते हैं। अब हाथ में पकड़ने में भी हीट लग रहा है फोन। बच्चे कैसे चिल्ला रहे हैं बच्चे में हैं इसकी। 41 डिग्री चलाया अभी तक आगे से, मैक्स से भी 40.8 ही है, 41 डिग्री ही मैक्स पहुंचा है। तो भाई अपने टेस्ट के अंदर ना अभी ये मैक्स 41 डिग्री ही पहुंचा है, हाथ में पकड़ने में हल्का फुल्का लग रहा है वार्म सा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं है। और बात करें मैक्स सेटिंग प्लस स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके कैसी परफॉर्मेंस मिली है हमको, तो परफॉर्मेंस ना बिल्कुल सिमिलर वैसी हमको देखने को मिली है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग से उतना ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं है, बस हीटिंग थोड़ी सी ज्यादा हमको देखने को मिली है, फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह नहीं हुए हैं। बीच में थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप भाई ये करता ही है वैसे, नॉर्मली जैसे स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे चला रहा था ना वैसे चलाई यहाँ पे भी गेम इसने, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह आपने देखी होगी कैसी करी इसने। और अभी हमको 57 मिनट भी कंप्लीट हो गए हैं, तो हम यहीं पे स्टॉप वॉच को कर लेते हैं, स्टॉप फेंक देते हैं कोने में। गु फेंक दे कोने में गु।
तो भाई देखो होम स्क्रीन के ऊपर हम आ गए हैं। बैटरी की बात करें तो 79% बैटरी इसके अंदर भी बची हुई है, यानी कि इसने एक घंटे की गेमिंग की बात करा है, 21% का बैटरी ड्रॉप, 4500 एमएच की बैटरी के हिसाब से भाई बैटरी भी काफी ज्यादा सही चली है। घंटे के हिसाब से हमने स्मूथ पे भी मैच खेले, मैक्स सेटिंग पे भी खेले, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके भी खेले, लेकिन परफॉर्मेंस की बात करी जाए ना तो परफॉर्मेंस में यहाँ पे हमने पहले ही टीडीएम का मैच जो खेला था उसके अंदर स्मूथनेस की कमी हमको पता चल गई थी। एक मैच खेलते ही वहाँ पे बेलका बुलका ये ड्रॉप करा था 55 FPS तक, वहाँ पे भी बड़े आराम से जा रहा था बीच बीच में और थोड़ा थोड़ा पता चल रहा था भाई वो एकदम। और उसके बाद हमने एंगल का मैच खेला, एंगल के मैच के अंदर भी यहाँ पे जंप करते में थोड़े बहुत इसने फ्रेम ड्रॉप्स करे, बीच फाइट में हल्के बुल के फ्रेम ड्रॉप्स करे भाई। मैक्स सेटिंग के ऊपर और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके खेलते टाइम में ना मेरे को उतनी ज्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिली जितनी स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की ग्राफिक सेटिंग में मेरे को देखने को मिली है। तो भाई बात आती है फाइनल कंक्लूजन की, क्या आपको पोको F4 5G लेना चाहिए या फिर नहीं। तो भाई मैं आपको बोलूंगा पोको F4 5G उतना ज्यादा कमाल का मेरे को नहीं लगा अभी तक तो गेमिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से। जो इसका कॉम्पिटिटर है ना आईक्यू नियो 6 ये भाई गेमिंग परफॉर्मेंस में यहाँ पे पोको F4 से तो भाई काफी ज्यादा बढ़िया स्मूथ गेमिंग परफॉर्मेंस देता है। सिमिलर प्रोसेसर भी इसके अंदर हमको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 870 वाला ही, और प्राइस भी ऑलमोस्ट दोनों का आसपास देखने को मिलता है, 26,000 रुपए का ये मिल जाता है विद डिस्काउंट और वैसे ये 30,000 रुपए का देखने को मिलता है। तो भाई अभी मैं आपको बोलूंगा कि अभी पोको F4 के साथ मत जाना, थोड़े से कंपैरिजन वगैरह और आने दो और उसको थोड़ा सा और अच्छे से चेक कर लो। मैं भी कंपैरिजन लाने वाला आईक्यू नियो 6 के साथ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और भाई मेरा एक क्वेश्चन और है कि क्या अभी आप पोको ब्रांड का स्मार्टफोन परचेज करना चाहोगे या फिर नहीं, डिस्क्रिप्शन में कैसे बताओगे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना भाई। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपकी भी कंफ्यूजन क्लियर होगी कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है अपना पोको F4 5G और क्या आपको ओवरऑल लेना चाहिए अभी या फिर नहीं। और अगर आपकी कंफ्यूजन क्लियर हुई हो या फिर आपको वीडियो देखने के अंदर मजा आया हो तो जरूर से कर देना चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। चलो तो भाई वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर लेना, 3 लाख सब्सक्राइबर करवा दो फटाफट से। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और कमाल की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय। बर्थडे ते की गिफ्ट करा मैं का पेटी दे दे दारू दी।